सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। मैं लास्ट वीडियो बनाया था 2019 का नवंबर को, उसके बाद आज आया मैं कैमरा के सामने क्योंकि कुछ पर्सनल काम था, कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया। तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। वैसे तो पूरे देश भर में अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस जिस तरीके से हम लोग को अटैक कर रहा है, तो हम लोग को घर में रहना ही बहुत सही है। तो इसी बीच मैं आया हूँ मैं अपना गांव का घर। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा गांव का घर है, ये मेरा घर है, ये गांव का। ऐसे ही हम लोग रहते हैं गांव में, अभी मैं शहर में नहीं हूँ, गांव आया हूँ। यहाँ से ही मैं अपना ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। और आप लोगों से आज मिलने का और एक खास बात है कि आज बंगाली का नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो आप सबको शुभ नव वर्ष हो इन बंगाली एक्चुअली। तो लॉकडाउन के वजह से बाज़ार सारा बंद है, दुकान सारा बंद है, इसीलिए मैं अपना बाल भी नहीं कटा पा रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा और उसके बाद फ्रेश होके मैं अभी मुड़ी खा रहा हूँ। देखिए मुड़ी, चनाचूर से मुड़ी खा रहा हूँ। और ये हमारा गांव का, ये जो सब देख रहे हैं शिप, ये हम लोग का ही है। तो ये रहा सारा सीन है का। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, इसीलिए आज मैं अपना ऑफिस में नहीं गया, मैं आज छुट्टी पर हूँ। यहाँ जंगल है पीछे, मेरा घर का पीछे का जंगल है ये। यहाँ मोटर लगा हुआ है, मोटर से पानी उठ रहा है। ये पानी हम लोग का जो ज़मीन है, पैडी का जो खेती लगाया हुआ है वहाँ पे जा रहा है। थोड़ा सा पैडी का जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा, क्योंकि बारिश ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसको जो पानी का जो ज़रूरत है वो हम लोग ऐसे शैलो ट्यूबवेल से कर लेते हैं, मोटर से ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए अभी आपको मैं लेके जाता हूँ हम लोग का तालाब जहाँ पर है वहाँ पर, आपको दिखाऊंगा मछली कैसे पकड़ते हैं। और आज एक्चुअली थर्सडे है तो शेयर मार्केट भी ओपन है, तो मैं वहाँ पे बैठे बैठे ट्रेडिंग करूँगा, उसके साथ साथ में मैं मछली भी पकड़ूँगा। और साथ में पावर बैंक केबल लेके जा रहा हूँ, मोबाइल का चार्ज अगर ख़त्म हो गया तो चार्ज भी दूंगा मैं। ये जो तालाब देख रहे हैं ये नया नया खुदा गया है, कुछ ही दिन हुआ है, एक डेढ़ महीना होगा। वो सामने जा रहा है, मेरा एक भाई जा रहा है, वो और हम दोनों मिलके अभी मछली पकड़ेंगे। मैं जब छोटा था, जब बचपन में, बहुत मछली पकड़ने के लिए आते थे यहाँ पे। उस टाइम में ऐसा नहीं था, अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। जैसे ये जो हम लोग का तालाब का जो ये जो सारा साइड है, ये सब में बहुत पेड़ हुआ करता था उस टाइम में। पैडी से चावल निकलने के बाद जो बाकी सब जो रह जाता है, इसको बंगाली लैंग्वेज में हम लोग कूड़ा कहते हैं, ठीक है, हिंदी का मुझे पता नहीं। ये जो कूड़ा है ये मछली का बहुत अच्छा खाना होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस इसका। पानी मिलाने के बाद इसको ऐसे मिक्स किया जाता है। इसको अभी हम लोग जहाँ पे मछली पकड़ेंगे वहाँ पे देंगे। इसको अभी यहाँ पे देंगे हम लोग, ताकि इसको खाने के लिए जब मछली आएगा तो हम लोग उस मछली को पकड़ेंगे। पूरा नहीं दिया, थोड़ा सा रख दिया इसमें। अगर मछली ने, अगर थोड़ा देर बाद वेट करने के बाद अगर देखेंगे मछली नहीं आ रहा है तो फिर से और थोड़ा सा देंगे। थोड़ा सा इसमें ऐसे रख दिए, अभी हम हाथ को धोके आके फिर मारते हैं। तो मछली को पकड़ने के लिए ये जो देख रहे हैं हम लोग खाने के लिए जो बनाया है, ये आटा से बनाया हुआ है। तो इस मोल्ड से थोड़ा सा इतना सा ले लिए, छोटा सा, क्योंकि इस तालाब में ज़्यादा बड़ा मछली नहीं है, छोटा छोटा मछली है, मुँह भी छोटा ही होगा, तो इस हिसाब से छोटा सा बनाएं। इस तरीके से लगा देंगे, देखिए इस हुक में ऐसे लग गया है। वहाँ पे मेरे को ख्याल से लग रहा है कि पानी का ले इतना पानी होगा, ज़्यादा पानी नहीं है, इतना सा पानी होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको हम फेंकेंगे वहाँ पे।
अगर ऐसा सोचेंगे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मेंटेन कर रहे तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग सब एक ही फैमिली का है, दिन भर एक ही साथ में दिन में घर में रहते हैं, इसलिए हम लोग का फैमिली के अंदर में ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा बाकी, लेकिन दुनिया से हम लोग बहुत अलग ही बैठे हैं। बाजार का जो मछली होता है वो तो रिस्क का होता है, यहाँ पर रिस्क फ्री है, आप लोग समझ सकते हैं। आ गया मछली, पहला मछली आ गया है। चलो इसको अभी रख देंगे यहाँ पे, हाँ खुल गया और यहाँ पे पॉकेट में रख दिया। ये देखिए, वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो देखिए तीन मछली हो गया टोटल, यही तो और एक उठ गया है, चार हो गया। तो अपना पोखर से ताजा ताजा मछली पकड़ के खा लिए, तो यही होता है गांव में रहने का फायदा। ये जो जमीन देख रहे हैं पैडी का, ये भी हमारा ही है। और एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं, वो जो पेड़ दिख रहे हैं आप, हाँ ये देखिए सजना का है, ये है लौकी का, इतना सारा लौकी यहाँ पे है, ये रहा, ये भी हम लोग का है, ये और है उधर में भी एक बड़ा सा लगा हुआ है। ये दिखाते हैं आपको, ये जो एक बड़ा सा लगा के रखा है ना, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको हम लोग खाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, इसके अंदर में जो बीज होगा उससे अगला बार के लिए, अगला बार लौकी का पेड़ के लिए ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ है हम लोग का नारियल का पेड़, ये रहा ऊपर में दिख रहे हैं, ये नारियल का पेड़ है, पास में और एक है नारियल का पेड़ वो रहा, ये दोनों ही हम लोग का है। हम नारियल भी अपना घर का ही खाते हैं। और एक चीज़ दिखाते हैं, ये रहा नींबू का पेड़, नींबू भी है, ये नींबू हुआ है, और भी बहुत सारा नींबू है वो रहा, एकदम ताज़ा ताज़ा नींबू है। ये जो बैरिकेड करके रखा है नेट से, इसमें आज ही हल्दी का जो बीज होता है वो आज ही यहाँ पे लगाया है, इसलिए ऐसे बैरिकेड करके रखा है, क्योंकि कुछ चीज़ आके इसका ऊपर ख़राब ना कर दे, इसलिए ऐसे बैरिकेड करके रखा है। और इससे पहले भी कुछ हल्दी था जो उधर लगाया हुआ था, उसको कल या परसों शायद पिताजी को हम देख रहे थे उठा रहा था, ये है हल्दी, ये हल्दी, ये सब जमीन से उठाने के बाद उसको बॉयल किया है, बॉयल करके ऐसे ऐसे करके सुखाने के लिए दिया है, जब ये सूख जाएगा तो ये मिल में जाके इसको पेस्ट करके लेके आ जाएगा। ये वाला मैंगो का ट्री देखिए पीछे जो है, कितना सारा मैंगो लगा हुआ है, भर भर के मैंगो हुआ है इस बार। एई दुष्टु, अच्छा 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 अच्छा, इससे मिलिए हम लोग का घर का एक छोटा सा मेंबर, देखिए कितना खुश है। ये हमारे घर का छोटा मेंबर है, इसका नाम है ईशा, देखिए तो की बेटा बेटा के छोटे बच्चे को गोदी में लेके ऐसे खेलना बड़ा मज़ा आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो देखते देखते पूरा दिन चला गया, और आई होप कि आप सभी लोग अपना अपना घर में सुरक्षित होंगे, में बंद रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इस वायरस फैल रहा है इंडिया में, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर में बंद रहना ही सही है। मैं यहाँ पे बाहर खुले में ऐसे ही घूम रहा हूँ, क्योंकि ये गांव में है, बहुत खुला एरिया है, तो अकेले ऐसे घुमा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि आसपास में कोई है भी नहीं, इसीलिए मैं अकेला यहाँ पे घूम रहा हूँ। तो ऐसे ही आज का ब्लॉग ख़त्म कर देता हूँ, आप लोग सब अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग मान के चलिए। ओके बाय बाय। वो जो पास में जो सारा खेती देख रहे हैं वो सब, उसमें जो लगा हुआ है वो सब कॉर्न है, भुट्टा, जंगली में जिसको भुट्टा कहते हैं, कॉर्न का खेती है वो सब।